तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईफोन 14 प्लस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी डिवाइस में पबजी BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में क्या ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। उसके साथ ही दोस्तों, हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें एप्पल की अपनी A15 की बायोनिक चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करती है। उसके साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें 4323 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 20W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। उसके साथ ही दोस्तों, इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस परफॉर्मेंस के साथ ग्राफिक में क्या सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहाँ जाएंगे सीधा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ में हमें इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम यानी कि 60fps ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। अभी तक हमें इस डिवाइस में कोई भी स्मूथ में 90fps ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती। आई होप कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के साथ हमें इस डिवाइस में स्मूथ में 90fps ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। उसके साथ ही दोस्तों, अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस में हमें एक्सट्रीम, HD में हमें एक्सट्रीम, HDR में हमें एक्सट्रीम। तो उसके साथ ही दोस्तों, अगर हम Ultra HD के बारे में बात करें तो Ultra HD में ये केवल अल्ट्रा तक ही सीमित है। इसका मतलब साफ है कि अभी तक हमें इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ, बैलेंस, HD और HDR में 60fps और Ultra HD में 40fps गेमिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। No. Awesome. Please recall me. Awesome. Awesome. Watch out. I'm recalling a teammate. Thanks.
Ugh.